ठीक है, वेलकम टू स्पार्टन सब्स। आई होप कैसा अच्छे होंगे। सो जनरली इस तरह का टॉपिक मैं ज्यादा कवर नहीं करता हूँ, बट एक अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ और शॉर्ट में ये वीडियो को मैं कवर कर दूंगा। तो पिछले दो तीन दिन से आपको पता है कि आपने यूमर्स सुना होगा कि बीजीएमआई में फिर से बैन हो सकता है फ्री फायर के बाद, और एक दो बंदे तो मुझे टैग भी कर दिए थे इंस्टाग्राम में कि इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाओ। तो मुझे तो हर दूसरा दिन कुछ ना कुछ ऐसे तरह का न्यूज़ आते ही रहता है, सबसे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो फालतू का टाइम वेस्ट है। बट फिर भी ये वाला थोड़ा सा बोल सकते हो ऊपर चल गया टॉपिक, इसको भी मैं कवर कर देता हूँ। बट ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पहले एक रिक्वेस्ट मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा कि अपकमिंग डेज में कोई भी एप्लीकेशन बैन का आपको न्यूज़ सुनाई दे तो पहले बिलीव मत करना, आपको वेट करना चाहिए। ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट निकलता है, जैसे मैं आपको फ्री फायर वाला वीडियो पहले से नहीं दिखा रहा था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया, तो उसी दिन मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाया था और कन्फर्म बताया था कि फ्री फायर बैन हो गया है। ठीक है, उससे पहले मैं एक भी वीडियो नहीं बनाया था। वापस से मैं फिर बोलने वाला हूँ कि अगर कोई एप्लीकेशन फिर से बैन होता है तो आप तब तक विश्वास मत करो जब तक ऑफिशियल बोल सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट ना आ जाए। ठीक है, तो आपको मैं शॉर्ट में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ और उसका रिप्लाई भी क्या हुआ, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखो, ये जो न्यूज़ में दिखाने वाला पहले बता देता हूँ कि अनऑफिशियल सोर्सेस है, आपको बिलीव करना करो नहीं करना मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है, जो होगा तो आपको दिख ही जाएगा। फिलहाल आपका गेम चल रहा मस्त, खेलो जब तक चल रहा, खेलो नहीं चलेगा तो दूसरा गेम में चले जाना, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना जल्दी होने वाला। तो इधर आप देखिए स्पोर्ट किरा को मैं रेफरेंस लेता हूँ क्योंकि दोनों आर्टिकल मैं आपको यही वेबसाइट का दिखाने वाला हूँ। और आप देख पा रहे 1 मार्च को ये लोग एक पोस्ट डाले थे जिसमें ये बोल रहे थे कि इस बीजीएमआई में गेटिंग बैन इन इंडिया, NGO अर्ज गवर्नमेंट टू बैन पबजी लाइक गेम। तो एक NGO है, उन लोगों का कहना ये है कि बीजीएमआई को बैन करो क्योंकि वो रेप्लिका है पबजी मोबाइल का। शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सारा पॉइंट है। ये आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बोला गया, तो बट मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो NGO जिन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजा IT मिनिस्टर को, उन लोग कहना ये है कि बीजीएमआई को भी बैन करो क्योंकि ये भी एक चाइनीज ऐप है, ये पबजी मोबाइल का रेप्लिका आप बोल सकते हो, और इसको भी वही वाला सेक्शन में बैन करो जिसमें आप फ्री फायर को बैन किए थे 69A, और वो वाला सेक्शन आपको पता है डेटा सिक्योरिटी का ब्लीच किया जाता है तभी जाके वो एप्लीकेशन बैन होता है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, क्योंकि अगर NGO ने एक रिक्वेस्ट भेजा है तो वो पर्टिकुलर रीज़न के चलते बैन नहीं होगा, क्योंकि यही रीज़न के चलते पबजी मोबाइल बैन हुआ। तो ऑब्वियसली बीजीएमआई जब लॉन्च हुआ तो ये तो रीज़न सॉल्व करके ही आया होगा ना, तभी जाके ना एंट्री मिला होगा, तो वो तो कुछ सेंस नहीं बना एटलीस्ट मेरे को। और उसके बाद आप देख पा रहे हो एक और पॉइंट दिया गया कि फ्री फायर जो बैन हुआ है उसमें भी कुछ शेयर्स था टेंशन का, आप देख पा रहे 18.7। तो अगर फ्री फायर बैन हो सकता है तो बीजीएमआई क्यों नहीं। तो फ्री फायर एंड बीजीएमआई इसका बारे में कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ये उन लोग का अंदर का टॉपिक है, मैं इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसमें कुछ इसमें फीडबैक नहीं दूंगा। ठीक है, कल एक और क्वेश्चन लिखा हुआ कि बीजीएमआई और पबजी जो है वो सेम ही है बट एक नया अवतार के साथ आया है तो इसीलिए इसको भी बैन करो। तो ये 3-4 क्वेश्चंस जो है NGO की तरफ से दिया गया था IT मिनिस्ट्री को, और उन लोग का रिप्लाई क्या आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग ये बड़ा पोस्ट में आ जाते, इधर आप देख पा रहे हो, और ये पोस्ट आप देख पा रहे कल 2 मार्च को अपलोड किया गया था एक दिन बाद। इधर आप देखो पबजी मोबाइल एंड बीजीएमआई गेम्स आर डिफरेंट, IT मिनिस्ट्री टेल SC रिस्पॉन्डिंग टू PIL। तो मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया है शायद, तो इधर हम लोग देख रहे थे क्या रिप्लाई आया है। तो इधर आप देख पर अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, ये चीज़ कभी नहीं पता चलता कि दूसरा वेबसाइट को क्यों हेल्प लेता है, खैर कोई नहीं। इधर आप देख पा रहे हो जो मिनिस्ट्री है उन लोग का कहना ये है कि जो पबजी मोबाइल है एंड बीजीएमआई है दोनों अलग एप्लीकेशन है, और इधर आप देख पाए वे आर नॉट द सेम एंड दैट ओनली द गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर रिसोर्सेज। इन अ शॉर्ट टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिप्लाई आया कि बीजीएमआई और पबजी मोबाइल सेम गेम नहीं है, और हम लोग केवल कंप्यूटर रिसोर्स तक ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको गेम का स्क्रीन सेम सिमिलर उन्होंने दिख रहा है या गेम का मोड सो सिमिलर दिख रहा है, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है। अगर गेम का जो रिसोर्सेज है मतलब डेटा जो है वो चाइनीज़ जाता है, मतलब चाइना जाता है, तभी जाके हम लोग उसमें एक्शन ले सकते हैं। तरह का उन लोग का रिप्लाई था। डेटा इंडिया में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मेन चीज़ है डेटा, और डेटा सिक्योर है इंडिया में है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गेम के अंदर। तो होपफुली आप लोग का आंसर मिल गया, ज़्यादा इसको और खींचेंगे नहीं, आप जाके दोनों आर्टिकल को पढ़ सकते हो डिटेल में, मैं दोनों का लिंक दे दूंगा। तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें मैं आपको M9 एंड M10 का जो RP क्रिएट आने वाला है उसका लिंक्स दिखा देता हूँ। तो इधर आप देख पाए सबसे पहले M9 रॉयल पास में जो RP क्रिएट आने वाला है उसमें आपको डेडली सिकल सेट दिखाई देगा, और उसका पूरा हेडगियर भी आपको दिखाई देगा, उसके साथ साथ इस बार आपको US का स्किन भी दिखाई देगा। तो डेफिनेटली बहुत लोग इसको ओपन कर सकते हो मंथ 9 में, और लक OP रहा तो आपको मिल सकता है रेगल ओवरलोड US,
और ये शायद हम लोग का आरपी एडवेंचर में आया था ना, किस में आया था, सीजन 19 में, तो ये आरपी रिवॉर्ड में नहीं आया था, क्रिएट रोड में आया होगा। उसके साथ आप देख पा रहे रिंगलिंग स्टार ऑर्नामेंट आपको दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ एक और ग्रेनेड है, ये ग्रेनेड तो शायद आपको मिल गया होगा आरपी रिवॉर्ड में, जो आप देख पाए डेडली सिकल ग्रेनेड। तो ये मंथ 9 का आरपी क्रिएट जो आने वाला उसके अंदर मिलेगा। उसके साथ साथ डेल्टा स्क्वाड आउटफिट, उसका पूरा हेडगियर आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे का जो सामान आप देख पाए वो हर एक सीजन रिपीट होता है, तो वो सबको हम लोग इग्नोर करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और M10 का जो रॉयल पास का जो आरपी रिवॉर्ड होने वाला वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पाए रिस्प्लेंडर डॉन हेडगियर एंड उसका आउटफिट है, और ये शायद मैक्सिमम लोग लिए थे। उसके साथ साथ आप देख पाए रिस्प्लेंडर डॉन यूजी आपको दिखाई दे रहा है, और ये भी मैक्सिमम लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे स्प्लेंडर डॉन पैन, उसके बाद ऑर्नामेंट आप देख पा रहे, हेलमेट दिखाई दे रहा है, बैकपैक आप देख पा रहे, तो ये हेलमेट और बैकपैक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा आउटफिट के साथ आपको काफी अच्छा लगता है। तो साथ साथ सोरिंग ईगल सेट आपको दिखाई दे रहा, और वापस से कुछ पुराना चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कैसा लगा कमेंट करना, मैं दोनों आरपी क्रेट आपको दिखा दिया। तो ये वीडियो कितने, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।